दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के देवतालाब शिव मंदिर में आप लोग जीन्स या फिर मॉडर्न आउटफिट पहनकर नहीं जा सकेंगे। मंदिर में प्रवेश के लिए अब ड्रेस कोड लागू हो गया है। ड्रेस कोड को लेकर मंदिर परिषद ने बैठक ली। इस बैठक में फैसला किया गया कि देवतालाब शिव मंदिर के भीतर प्रवेश करने वाले पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहननी होगी, उसके बाद ही वो भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सकेंगे। मंदिर परिषद की बैठक में विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आधुनिक परिधान पहनकर आने वाले लोग मंदिर के बाहर से ही भगवान के दर्शन करें। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष और मंदिर परिषद के सदस्य गिरीश गौतम ने कहा कि धार्मिक आस्था को देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया है। इसमें आधुनिक परिधान पहनकर आने वाले लोग मंदिर के बाहर से ही भगवान के दर्शन कर सकेंगे। उनके मुताबिक मॉडर्न आउटफिट पहनकर आने वाले लोगों को मंदिर आने की भी आवश्यकता नहीं है। उनके मुताबिक मॉडर्न आउटफिट पहनकर आने वाले लोगों को मंदिर आने की आवश्यकता भी नहीं है। गौरतलब है कि मंदिर परिषद की बैठक साल में 2 बार होती है। इस बैठक में मंदिर से जुड़े प्रबंधन और सौंदर्यीकरण पर चर्चा की जाती है। रविवार को भी इस मुद्दे पर बैठक की गई थी और अचानक से ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। आपको बता दें कि महाकाल की नगरी उज्जैन तथा काशी विश्वनाथ में भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन को लेकर इस तरह के नियम बनाए गए हैं। यहाँ गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी अनिवार्य की गई है। इसी क्रम में रीवा के श्रृंगेश्वर धाम में भी अब ये नियम लागू किया गया है। आपको बता दें कि इस मंदिर से जुड़ी किंवदंती है कि इसका निर्माण देव शिल्पकार विश्वकर्मा ने किया था। त्रेता युग में ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ को पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उन्हें 4 पुत्र होने के बाद श्रृंगी ऋषि तपस्या के लिए विंध्य पर्वत पर चले गए। यहाँ उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन देकर उनकी मनोकामना पूर्ण करने की बात कही। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि वो रीवा जिले के देवतालाब में शिव मंदिर चाहते हैं। इसके बाद भगवान शिव ने देव शिल्पकार विश्वकर्मा को देवतालाब नगरी में शिव मंदिर को बनाने का आदेश दिया था। अभी कल मंदिर की जो प्रबंध समिति है उसकी बैठक थी, मैं भी उसका सदस्य होने के नाते मैं भी बैठक में था। तो उसमें 3-4 प्रस्ताव पारित हुए हैं। एक तो ये कि मंदिर से लगा हुआ एक बैजू धर्मशाला, जो बैजू धर्मशाला शायद यही बैजू धर्मशाला वहाँ पर, उसमें बैजू धर्मशाला की हालत जीर्ण है और उसमें अतिक्रमण लगातार होते चले जा रहे हैं। तो एक प्रस्ताव ये पारित हुआ कि इसको एक तो मंदिर के एरिया के भीतर है तो उसको मंदिर की संपत्ति घोषित किया जाए और उसका बढ़िया रख रखाव कर दिया जाए, जिससे रुकने वालों की धर्मशाला एक व्यवस्था बन सके, उनके रास्ते खोल दिए जाए। एक तो ये निर्णय हो। दूसरा यह हो कि लक्ष्मण झाड़ीदास जी का एक मंदिर है, मंदिर का बड़ा कैंपस है और उस कैंपस में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया। हाल ही अभी प्रशासन ने अतिक्रमण को खाली करा लिया है, सब कुछ कर दिया है। तो ये हुआ कि उसी में जो स्पेस ज़्यादा है तो एक बड़ा हॉल बना दिया जाए, उसमें ओपन हॉल है, सेट करा है, कुछ कमरे बन जाए उसमें जो उसमें सारी सुविधा युक्त वो हों, तो लोगों को जाने को जो भक्तगण जाते हैं पूरी तरकारी बनाते हैं या प्रसाद बनाते हैं उनके जगह बैठने का रहने का वहाँ मिल जाए। एक तो ये निर्णय हुआ। तीसरा निर्णय उसमें ये हुआ है कि मंदिर के भीतर अभी होता ये था कि जिसकी जो तबीयत आती थी वो पहनावा पहन के जाता है। ये निर्णय किया प्रबंध समिति ने कि नहीं, हम इसमें ड्रेस कोड लागू हो और मंदिर के गर्भगृह में जो जाते हैं, जो शंकर जी को हाथ से जस्त्र स्नान कराते हैं, दही कराते हैं, शहद कराते हैं, दूध कराते हैं, धोते हैं, बेल चढ़ाते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका ड्रेस होना चाहिए। ड्रेस ये हो कि पुरुषों के लिए पर्दनी या जेंट्स धोती हो और महिलाओं के लिए उनकी साड़ी हो। इसके अलावा जीन्स नहीं अलाउ करेंगे, बेल्ट नहीं अलाउ करेंगे, ये सब रोकने की आवश्यकता है। तो ये करके निर्णय हुआ है और बाकी और उसको सुंदर बनाना है, सड़कों को ठीक करना है, जो गेट है वो ठीक करना है। और तीसरा ये हुआ कि अभी जब शिवरात्रि होती है तो वो एक हमारे पर्यटन की तरफ से एक कार्यक्रम होता है बड़े बड़े शिव मंदिरों में, उसको हमने जोड़ने का प्रयास किया कि हमारा देवतालाब भी ले लिया जाए। और जिस तरह से घोष में होता है, जिस तरह से महाकाल में होता है, जिस तरह से ओंकारेश्वर में होता, उसी तरह से यहाँ भी वो 3 दिवसीय कार्यक्रम होता वो हो, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ जुड़ जाए। बाकी उनके भोग का है तो भोग को जो चढ़ के आता हूँ, फिर भी मैं कह के आया हूँ कि प्रतिदिन 1 लीटर दूध लगता है, तो हमारी तरफ से जब तक मैं यहाँ व्यवस्था में हूँ तो वो लाइए और बढ़िया भगवान का ठीक से भोग तैयार हो, उनकी ठीक से पूजा आरती हो सके। ये निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि कई आस्थावान लोग जो जाते हैं अंदर और जब उनके स्नान करा रहे हैं शंकर जी, किसी से मैं जीन्स वाला पैंट वाला बेल्ट वाला आ जाता है, उनको ऐसा लगता है कि शायद ये आस्था के साथ ठीक नहीं है,
उनकी धार्मिक भावना के साथ ठीक नहीं है, इसलिए उनकी बार बार आपत्ति आती थी, इसीलिए इस आपत्ति को हम सब ने स्वीकार किया और उसका प्रस्ताव पारित किया। वैसे भी जब आप देखते होंगे कि मलिमास का महीना या सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, उस समय गर्भगृह में जाना अभी रोका, पिछले साल रोका बंदी तो रोका तो सब ने सहमत के साथ, उसमें कोई विरोध नहीं हुआ और सब ने मान लिया, इसलिए जैसा बैजनाथ धाम में होता है उसी तरह जल चढ़ाने की व्यवस्था हुई कि पानी यहीं से डालिए वो सीधे उनकी मूर्ति पर जाएगा, उस व्यवस्था को सब ने स्वीकार किया। और मुझे विश्वास है कि जैसे ही ये लागू होगा, क्योंकि उसका टाइम दिया कि आषाढ़ में शुरू करेंगे अपन इसको, तो जैसे लागू होगा सब जितने श्रद्धालु भक्तजन हैं इसको स्वीकार करेंगे। ये तो उनके पक्ष की है, धार्मिक हमारी जो धार्मिक आस्था उसको चोट कहीं ना लगे, हमको प्रयास ये करना चाहिए।